नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट आउटसीरिंग सेशन को किया संबोधित। पीएम ने वन अर्थ वन हेल्थ को दिया मंत्र। दिल्ली में लॉकडाउन में मिली रियायत, पूरी तरह खुलेंगे सभी मार्केट, मॉल रेस्टोरेंट भी 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकेंगे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को भतीजे भतीजी बताकर किया संबोधित। रेडियो वार्ता लोक वाणी में मुख्यमंत्री बने काका, अब मध्यप्रदेश में मामा तो छत्तीसगढ़ में काका। छत्तीसगढ़ सहित पूरे बस्तर में मानसून ने दी दस्तक। बस्तर के अधिकांश जिलों में हो रही झमाझम बारिश, कांकेर में अलर्ट तो वहीं कोक गांव नारायणपुर में होगा अधिक बारिश। और राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। बैठक में सीएम ने की योग की बात, कहा योग से निरोग अभियान चलाया, उसका हुआ लाभ। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में चल रही G7 समिट के आउट रीच सेशन को संबोधित किया। मोदी जी ने 7 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी बताई। वहीं उन्होंने भारत में कोरोना की हालिया लहर के दौरान G7 और दूसरे अतिथि देशों से मिले समर्थक की तारीफ की। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना का कहर काफी हद तक कम हो गया है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में ढील और देने का ऐलान किया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट को भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि इनके लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की ही समय सीमा तय की गई है। मध्यप्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए मामा संबोधन अब आम हो चुका है। कुछ इसी तरह का प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी करने को मिला, जहां पर मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका बन गए। उन्होंने बच्चों और युवाओं को भतीजे और भतीजी कहकर संबोधित किया। बता दें कि मासिक प्रसारण में संबोधन की शुरुआत से पहले वे रुक गए, माइक पर हाथ रखा और कहा, सोशल मीडिया मैं तो ये लोग मुझे काका ही कहते हैं, मैं भी इन्हें भतीजे और भतीजी ही बोलूंगा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे बस्तर संभाग में 10 जून से मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वहीं बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में मॉनसून ने करवट ली और तेज झमाझम बारिश होना शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर के 3 जिलों में अधिक बारिश होगी, जिनमें कोड़ागांव नारायणपुर में मध्यम तो वहीं कांकेर में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही संभाग के अन्य जिलों में भी सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हम अपने क्षेत्र में योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक माध्यम बना सकते हैं। केवल मंडल स्तर तक नहीं, आप कोशिश करें जितने गांव में हो सके आप योग कराइए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार चलता रहे, यही कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने अनलॉक पर कहा कि कई चीजें खुल गई हैं और कुछ पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, उसके बारे में भी हमें विचार करना होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते प्रशासनिक कार्यों में लगे कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बड़ी राहत देने का काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान जो अधिकारी कर्मचारी बिना डरे कार्य करने के दौरान संक्रमित हुए या संक्रमण के चलते उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों को एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने की थी, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैरागढ़ से होकर लल्लू लाल सोधिया के घर पहुंचे, जहां उनके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति का पत्र दिया। दरअसल कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते इनके पुत्र को अभी उसी श्रेणी में काम करने के लिए कहा गया है। हमारे विधानसभा में लल्लू लाल सोधिया जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनकी अभी मृत्यु हुई कोरोना के काल में। तो चूँकि निर्णय ये हुआ है कि जो मृत्यु इस प्रकार की, उनको सबको अनुकंपा नियुक्ति देने दिया जाना है, इसलिए उनके लड़के राकेश सोनिया को विधानसभा में अनुकंपा नियुक्ति की गई दी गई है, और सोमवार से उनको ये कहा गया कि मंडे से आकर के नौकरी ज्वाइन करें। चतुर्थ श्रेणी के खुद कर्मचारी थे, तो बाद में अब ये पहले ज्वाइन करेंगे, बाद में जब इनकी योग्यता होगी, इंटरव्यू होगा, परीक्षाएँ होंगी, तो फिर अपना आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मुझे मेरी मम्मी ने मुझे मतलब तीसरे नंबर एक तो मेरे को है ना वो ड्यूटी देने का मौका दिया, तो मैं अपने घर वालों को अच्छे से रखूँगा और देखभाल भी करूँगा। जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय से बहुत बहुत बधाई है मेरी। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर वायरल ऑडियो चैट के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बता दें कि दिग्विजय सिंह के बचाव में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी उतर आए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ही सबसे पहले जिन्हा की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के वायरल ऑडियो के बाद दिग्विजय सिंह को पागल और जिन्हा का अंश बता दिया था। वहीं पीसी शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने मौतों के आंकड़े को छुपाया है, सरकार कोरोना मामले में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मनाई गई, जहां भोपाल में राजपूत समाज के द्वारा शहर के ज्योति टॉकी चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं मध्य प्रदेश राजपूत समाज के अध्यक्ष विनय भदौरिया ने कहा कि आज हमारे लिए गर्व का विषय है जो हम महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती मनाने पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और राजपूत समाज के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिवस है। हमेशा से महाराणा प्रताप के जो आदर्श और उनके द्वारा जो लड़ने की विषम परिस्थितियों में जूझने की जो उन्होंने एक मिसाइल कायम की थी, हम लोग आज तक उसी पर कायम हैं, और विभिन्न किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना जोश कायम रखते हुए जीवन की भी सारी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और देश में, समाज में जितनी भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ या जो चुनौतियाँ हैं उनको पूरी ताकत से लड़ते हुए उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अपने पूरे प्रयास करती नजर आ रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कुछ दिन पूर्व ही व्यापारियों के साथ बाजार खुलवाने से पूर्व टीकाकरण की बात की थी, जिसमें बड़ी सफलता भी हासिल हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय के द्वारा जेल में बंद कैदियों को भी टीका लगवाने की बात कही गई थी, जिसके चलते भोपाल केंद्रीय जेल में टीकाकरण का कार्य किया गया। वहीं जेल में 99% ही टीकाकरण हुआ है। इस बीच जेल में बंद सिमी आतंकी सफदर नागोरी सहित अन्य 5 लोगों ने टीका लगवाया, जबकि अन्य 23 आतंकियों ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया है।
लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन शाखा बैरागढ़ ने भारतीय जीवन बीमा निगम बैरागढ़ के शाखा प्रबंधक को विदाई समारोह में भावभीनी विदाई दी। नवीन शर्मा ने 3 वर्षों तक शाखा को अपनी सेवाएं दी और शाखा प्रबंधक के व्यवहार और कार्य की सभी अभिकर्ता साथियों ने खूब तारीफ भी की। बता दें कि सभी साथियों ने मिलकर नवीन शर्मा को आत्मीय विदाई दी। इस मौके पर शाखा प्रबंधक नवीन शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भोपाल से आपकी विदाई है और विदिशा में अब नया कारोबार आप संभालेंगे पदोन्नति के साथ, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश हमारे अभिकर्ता साथियों को देना चाहता हूं कि जीवन में जो भी लक्ष्य आपने बना के रखा है उसको जरूर हासिल करें, उसके लिए प्लानिंग करें, ठोस परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी साथियों का 3 साल मुझे बहुत समर्थन, बहुत सहयोग मिला, मैं इसके लिए इन सबका आभारी हूँ। सब दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे लोग हैं। बैरागढ़ का कैसा अनुभव रहा है? व्यापारिक क्षेत्र भी रहा है बैरागढ़? बिल्कुल, बैरागढ़ में पिछले 3 साल तक जो न्यू बिजनेस हमारे साथ में हुआ, हमारे साथियों ने किया, बहुत अच्छा काम हुआ। शाखा ने नई ऊंचाइयों को छुआ, हमने हर मामले में बैरागढ़ शाखा के परचम को लहराया है। भिंडी जिले के सरकारी गेहूं उपार्जन केंद्र उमरी में खरीद हुए गेहूं के बोरे में पाइप के द्वारा कर्मचारी पानी डालते हुए दिख रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि वीडियो हमने देखा है और प्रथम दृष्टया मामला गंभीर दिख रहा है, जिसके चलते हमने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, क्योंकि मौके स्थल पर गेहूं भी नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि घटना कुछ दिन पहले की है और जिस गोदाम में गेहूं रखे गए हैं उनकी जांच करवा कर दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके तत्काल बाद हमने एक टीम गठित किया है जो उसको जांच किया जा रहा है, और जो क्योंकि अभी वर्तमान में वो नहीं किया गया इसे प्रतीत हो रहा है, हो सकता कुछ समय के पहले किया गया हो, या तो इसलिए क्योंकि वर्तमान में वहां माल नहीं है, तो जो वेयरहाउसेस में जहां ये रखना संभावित है तो उस वेयरहाउसेस का भी वो टीम विजिट करके जांच करेंगे। ये प्रथम दृष्टिया मामला गंभीर लग रहा है, तो इसलिए इसको गैर जांच करके उसके बाद अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता किया गया हो तो बिल्कुल हम इसमें कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राहत की खबर मिली है। बता दें कि देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में महंगे पेट्रोल से आम जनता को राहत देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि पेट्रोल का भाव 105 रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं लगातार इजाफे के बाद देश के कई शहरों में विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।